लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा, जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा। नमस्कार, मैं हूं जानवी गुप्ता, स्वागत है आपका सच न्यूज नेटवर्क पे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश में चुनाव होंगे। पहले परिसीमन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। यही रोड मैप तय किया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश को श्योरिटी दी है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद ही चुनाव होंगे। सही समय पर राज्य का दर्जा भी बहाल होगा, जिस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। एक टीवी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। यह संसद में पारित परिसीमन अधिनियम के अनुसार ही होगा, इसीलिए इस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए। जम्मू में सीटें बढ़ाने जाने या कश्मीर का राजनीतिक कद घटाने जाने के कयासों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी का दबदबा बढ़ाने या घटाने के मकसद से नहीं किया जा रही। किसी दल से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव कब होंगे ये निर्वाचन आयोग ही तय करेगा। कहा कि कुछ महीने पहले हुए DDC चुनाव बिना किसी हिंसा के निष्पक्ष तरीके से कराए गए हैं। विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराना सुनिश्चित किया जाएगा। 35,000 करोड़ का होगा निवेश, 5,000 को रोजगार। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के कई कार्य कराए जा रहे हैं। अगले 6 से 8 महीने में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश होने की उम्मीद है। इससे 5,000 बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। प्रदेश में PMGSY के में बेहतर कार्य हुआ है। कोरोना पर नियंत्रण पाने में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है। हर जिला अस्पताल और एसोसिएटेड अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। सुरक्षा बलों का इसमें अपर हैंड है। आतंकियों पर शंखचक्र कसा गया है। सुरक्षा बल किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार है। सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल है। कुछ छिटपुट आतंकी घटनाएं जरूर हुई है, लेकिन आतंकी तंजीमों में युवाओं की भर्ती रुक गई है। ड्रोन सुरक्षा के लिए चुनौती। उपराज्यपाल ने कहा कि ड्रोन निश्चित रूप से चुनौती के रूप में सामने है, लेकिन DRDO ने कई टेक्निक विकसित की है। सभी महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनके लिए कोई गुपकार गैंग नहीं। उन्होंने कहा कि उनके लिए कोई गुपकार गैंग नहीं है। वे प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से व्यक्तिगत रूप में मिलते रहते हैं। वे सभी से प्रदेश की बेहतरी के लिए बात करते हैं। देश की एकता अखंडता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। उपराज्यपाल ने महबूबा के पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत पर कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कहा कि देश की एकता व अखंडता के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी हो और क्यों कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो ये थी लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की गई बात। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए सच न्यूज नेटवर्क।